दिया थी सिपा को। चलिए आगे पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पीछे हमने पढ़ा कि मशरक और मगरब के दरमियान में किबला किसके लिए कहा अल्लाह के पैगंबर ने, अहले मदीना के लिए का। और उसका मतलब ये था कि सिमत आपकी नमाज की ये है, अगर किबला मुकम्मल बिल्कुल सामने नहीं भी होता आपकी नमाज हो जाती है। अगली रवायत है कि सफर में नमाज पढ़ी जा सकती है, इस हवाले से अगली रवायत से हम बात को आगाज करेंगे। पहले मेरी बात सुनने गौर से, पहले हदीस पढ़ लें। अन आमिर इबन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन क़ाल, आमिर बिन रबिया से रवायत है, वो फरमाती हैं कि आई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को युसल्ली, वो नमाज अदा कर रहे थे, अला राहिलती ही अपनी सवारी पर, ठीक है, अपनी ऊँटनी पर वो नमाज पढ़ रहे थे, हैसु तवज्जहत भी, वो जिस तरफ भी फिरती रहती, ठीक है। मुत्तफ़क़ुन अलैह, इसको बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। और इमाम बुखारी ने कुछ अल्फाज को बढ़ा दिया, वो ये है कि युम्यू बिरासी ही ब्रह्म यकुन यसनाउहु फिल मकतूबा, युम्यू आप सिर्फ इशारा करते बिरासी ही अपने सर के साथ, यानी रुकू का और सजदे का, ब्रह्म यकुन यसनाउहु और नहीं थे यसनाउहु ऐसा करते फिल मकतूबाती फर्ज नमाज। किबला रुख होकर नमाज अदा करना एक बहुत बड़ा मसला है, और से सुन लें। आप सफ़र पे हैं, आपने देखा कि नमाज का टाइम हो गया, आप फर्जी नमाज सवारी पे अदा नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने क्या कहा कि अल्लाह के पैगम्बर लम यकुन यसनाउहु फिल मकतूबा, फर्जी नमाज अल्लाह के पैगम्बर सवारी पे अदा नहीं करते थे। एक बात, नफली नमाज आप सवारी पे अदा कर सकते हैं, आपको सुन्नत अदा करनी रह गई आपकी, उसके लिए ऐसा है कि आप एक बार अपनी सवारी को किबला रुख कर देंगे, करने के बाद आप नमाज शुरू कर लें, उसके बाद वो किस तरह भी जाए। तब दौर था घोड़ों का, ऊँट वगैरह का, अब दौर बदल चुका है। अब बेहतर है कि आप नमाज, अगर फर्जी नमाज है तो आप उसको सफर में अदा नहीं करेंगे, आप जोहर को और मगरिब को, जोहर को और असर को इकट्ठा कर लें, मगरब और इशा को आप इकट्ठा कर लें, आप जमा तकदीम कर लें या जमा ताखीर कर लें, मतलब आप जोहर के साथ असर पढ़ लें इसे कहते हैं जमा तकदीम, या आप असर के साथ जोहर पढ़ लें इसे कहते हैं जमा ताखीर, ठीक है। आप मगरिब के साथ इशा पढ़ लें या इशा के साथ मगरिब कर लें, ये आप कर सकते हैं। फर्जी नमाज के लिए कोशिश करें आप कि आप इसको सफर में रास्ते में अदा नहीं करेंगे, ये नमाज आप वैसे अदा। हाँ पता, कोई ऐसा सफ़र आपको अगर लगता है कि ये सफ़र बहुत लंबा है, बहुत तवील है, ट्रेनें स्टे करती हैं, जहाज़ स्टे करते हैं, लेकिन बैरी जहाज़ में आप सफ़र में रहते हैं, आपके पास कोई किबले की डायरेक्शन होती नहीं है, आपने नमाज किस तरफ अदा करनी है आपको पता ही नहीं होता, आप तो फिर भी कोई आले आ चुके हैं, ऐसे मशीनरी आ गई जो बताती हैं किस तरफ किबला है, फिर भी आप कोशिश करें तयन करने की किबला किस तरफ है, आप नमाज अदा शुरू कर लें। लेकिन अगर किबला नहीं मिलता तो भी कोई मसला नहीं है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता है, मुझे पता ही नहीं किबला किस तरफ है, तो उसके लिए नमाज हो जाएगी। पहले तो सफर नहीं ना कर सकते, फर्ज नमाज नहीं कर सकते, नफली नमाज पढ़ सकते हैं आप, उसमें नहीं होती नमाज इस्लाम में। चलिए आगे, लेकिन ट्रेन में ऐसा इस्तेमाल हो जाता है नमाज पढ़ने के लिए, हिजाब के अंदर भी आप अक्सर जाके साहब नमाज पढ़ सकते हैं ट्रेन के अंदर नफली नमाज। चलिए आगे, बैरी जहाज़ की बात कर रहा था मैं, कि वह बैरी जहाज़ का सफ़र 8-8 दिन का होता है, उसमें किबले का तायुन भी करना मुमकिन नहीं है, इसलिए उसके अंदर दो चीज़ें हमारे सामने हैं, इंसान फर्जी नमाज उसको माफ़ तो है ही नहीं, वो सफ़र में है, वो जंग में भी है ना, तो जिसे बाकी अल्फाज है कि वो सर के इशारे से नमाज पढ़ी जाए, वो दुश्मन से लड़ रहा है, वो गुत्थम गुत्था है, तलवारें चल रही हैं, बंदे मर रहे हैं, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, कट रहे हैं, उस दौरान भी नमाज ये माफ़ नहीं है फर्जी नमाज, ठीक है। तब भी हदीस पाक में आता है कि आप सर के इशारों के साथ नमाज पढ़ते जाएं, अल्लाह अकबर ऐसे, अल्लाह अकबर क्या हम कर लिया आप लड़ रहे हैं, अल्लाह अकबर ऐसे इशारा किया, आपकी नीयत आप रुकू में लेकिन आप लड़ रहे हैं, सर आप उसके इज़हार कर रहे हैं, आपकी नीयत आप सजदे में है लेकिन आप साथ लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्था, तो वहाँ भी नमाज माफ़ नहीं, तो फिर पहले जहाज में नमाज माफ़ नहीं है। आप वहाँ ये करेंगे कि अइन मा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, आप फिर जिस तरह भी मुंह करेंगे आपकी तरफ आपका वही क़िबला है, ठीक है। तो अल्लाह के पैगंबर ने दीन ने बड़ी आसानियाँ की हैं कि इस इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा मुकल्लफ़ नहीं ठहराया कि वो तकलीफ़ में रहे। अबू दाऊद में रवायत है सैयदना अनस से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वकाना इज़ा साफ़रा, जब सफ़र करते फ़अरादा अन यतत्तव्वा, और अल्लाह के पैगंबर इरादा करते नफली नमाज पढ़ने का, यतत्तव्वा नफली नमाज पढ़ने का इरादा करते, इस्तक़बला बिना क़तिही अल-क़िबला, इस्तक़बला मुतवज्जा होते, एक बार मुतवज्जा करते बिना कति अपनी ऊँटनी को किबला रुख कर लेते, और फकब बाड़ा फिर तकबीर पढ़ के सुम्मा सल्ला फिर
नमाज शुरू कर लेते, नमाज पढ़ते, हई तो कहा ना वजू रिका भी, फिर जिस तरह भी उसका मुंह जाता रहता उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि माँ बैनल मशरकी वल मगरबी क़िबला, ये मशरक और मगरब के दरमियान ये जो सिमत है, अल्लाह के पैगंबर ने किसी का अहले मदीना से कहा कि मशरक और मगरब के दरमियान जो सिमत है ये आपके लिए क़िबला है, तो इतना वसी क़िबला दे दिया अल्लाह के पैगंबर ने कि कोई ये ना कहे कि देखो तो आप नमाज इस तरफ पढ़ रहे थे, क़िबला तो थोड़ा सा इस तरफ है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि आप सिमत वो मुतय्यन कर लें जिससे आपने नमाज पढ़नी है। भाई इसनादु हसन, इसकी सनद हसन दर्ज की है। चलिए अनबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल अल अर्ज़ु कुल्लुहा मस्जिदुन इल्लल मकबरता वल हमामा रवाहु तिर्मिज़ी वलहु इल्ला। अबू सईद खुदरी से रवायत है, अल्लाह के पैगंबर के सहाबी हैं, कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इरशाद फरमाया, अल अर्ज़ु ज़मीन कुल्लुहा सारी की सारी मस्जिद मस्जिद है। मस्जिद कैसे कहते हैं, मस्जिद का माने क्या है, ये इसम ज़र्फ़े मकान है, इसम ज़र्फ़े मकान है कि नमाज पढ़ने की जगह, ठीक है। कुल्लुहा मस्जिद उन सारी की सारी ज़मीन मस्जिद है, यानी सजदा गाह है, इल्लल मकबरता सवाए कब्रस्तान के, वल हमाम और गुसलखाने के। इस रिवायत में अल्लाह के पैगंबर ने दो चीज़ों की वजाहत की है सिर्फ, वो एक है कब्रस्तान और दूसरा है हमाम। कब्रस्तान में नमाज अदा करने की मान इसलिए है कि वहां पे देखने वाला कोई ये ना सोचे कि शायद इस कब्र वाले को सजदा कर रहा है, और दूसरी बात इसीलिए ये नमाज जनाजा के अंदर भी अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि अगर कोई शख्स नमाज जनाजा ना पढ़ सके, उसको उसकी खबर बाद में मिले, तो वो इस्लाम कहता है कि आप जाके उसके कब्र पे जाके जनाजा दोबारा अदा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अपने नरकू करना ना सीधा करना, तो किसी को शुबा ये नहीं होगा कि शायद ये उसकी इबादत कर रहा है। दूसरी बात, अगर हम नमाज जनाजा मैयत को सामने रख के हम अगर सीधा करें, तो हमारे जो बच्चे जिनको पता ही नहीं है, जो वहाँ पे जनाजगा में हमारे साथ होते हैं, वो यही समझेंगे ये सीधा ऐसा किया जा रहा है, इसकी तज़ीम की जा रही है, तो इसलिए कब्रस्तान में अल्लाह के पैगंबर ने सीधा करने से मना कर दिया। और जो गुसल खाना है वो भी उसकी नापाकी की वजह से, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर का जो फरमान है कि जो इला अर्ज़ मस्जिदों वो तो हो रहा, ये दो चीज़ें हैं कि मेरे लिए सारी ज़मीन को मस्जिद बना दिया गया है, ये अल्लाह के पैगंबर के लिए हज़ार साल जो नबी ने फरमाया था ना कि मुझे कुछ चीज़ें अता की गई जो मुझसे पहले अम्बिया को अता नहीं की गई, उनमें से ये एक ये भी खासा था कि जो इला अर्ज़ मस्जिदों वो तो हो रहा, मेरे लिए मस्जिद को पाक कर दिया गया और मेरे लिए इस मस्जिद को अल्लाह ने पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दिया और पूरी ज़मीन को मेरे लिए पाक कर दिया, यानी मस्जिद का या ज़मीन का पाक होना ज़रूरी है नमाज के लिए। इसलिए अगली रिवायत में सात ऐसी जगह हैं जहाँ पे मुकामात जहाँ पे नमाज करने से पढ़ने से मना किया गया है, तो हम उसको पढ़ते हैं पहले, फिर हम इंशाल्लाह इसकी वजाहत करते हैं, उस हदीस में एक इल्लत भी है, हम उसको भी वाज़ेह रखेंगे। अन इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन युसल्ला फी सबई मवातिन, वतन कहती हैं जगह को, वतन कहती हैं जगह को, नहा मना किया किसने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अन युसल्ला की नमाज पढ़ी जाए, फी सबई मवातिन सात मुकामात पर, वो कौन से हैं, अलमजबला कूड़ा की जगह पर, कूड़ा की तरफ, ठीक है, जहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है वहाँ पर नमाज पढ़ने से मना किया, वल मजजरा और ज़िबा खाने जहाँ पे जानवर ज़िबा किए जाते हैं वहाँ नमाज पढ़ने से अल्लाह के पैगंबर ने मना फरमा दिया, वल मकबरा और कब्रस्तान में नमाज पढ़ने से मना कर दिया, बकारियत तरीक और आम शारे आम रास्ते जहाँ पे लोग गुजर रहे हैं जा आ रहे हैं वहाँ से नमाज पढ़ने से मना कर दिया, वल हमाम गुसल खाने में नमाज पढ़ने से मना कर दिया, वह मातिनिल इबिल और ऊँटों के बाड़े में जहाँ ऊँट बंध जाते हैं वहाँ पर नमाज पढ़ने से अल्लाह के पैगंबर ने मना कर दिया, व फऊ का ज़हरी बैतुल्ला बैतुल्ला की छत पे, बैतुल्ला की छत पे नमाज पढ़ने से अल्लाह के पैगंबर ने मना कर, ये रवायत तिर्मिज़ी में है, अगरचे इस रवायत में कुछ ज़ौफ़ है, लेकिन अगर हम पिछली रवायत को सामने रखें, दो रवायत मैंने बयान की हैं कि जो इलाल अर्ज़ मस्जिद मतहूरा मेरे लिए मस्जिद बना दिया गया पूरी ज़मीन को और इसको मेरे लिए पाक कर दिया गया, मैं जहाँ मर्जी नमाज पढ़ूँ, इसका मतलब है कि जहाँ नमाज पढ़ी जाए वो जगह का पाक होना ज़रूरी है, पाक होना उसका ज़रूरी है, तो इसलिए जहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है, ये रवायत ज़ईफ़ है मैंने कहा आपसे, लेकिन इसका जो मफहूम है वो बिल्कुल ठीक है, क्या
कि जहां कूड़ा फेंका जाए जहां पाक होती है, नहीं, तो वहां नमाज नहीं होती। दूसरी बात, जहां पे ज़िबा खाना है, जहां पे जानवर ज़िबा किए जा रहे हैं, उनका खून है, उनका वहां पे दूसरे फादर मादा जात हैं, तमाम चीज़ वहां मौजूद हैं, तो वहां पे नमाज नहीं होती। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, अल मकबरा, कब्रिस्तान की जो उसमें जो इल्लत है, मैं आपको बता दी है। इल्लत क्या उसमें, कि देखने वाला ये महसूस ना करे कि सजदा इसे किया जा रहा है। ठीक है। शिरक की उसमें अमेजश होने का अंदेशा है, इसलिए कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने से अलग मैंने मना कर दिया। आम इशाराओं पर नमाज पढ़ने से अलग मैंने मना किया। ठीक है। और अगला, गुस्ल खाने में बहुत वादी दीपी सी आ चुकी थी, और ऊँटों के बारे में वहाँ भी गंदगी की वजह से। और अगली चीज़ है, वफ़ऊ का ज़ाहरी बैतुल्ला, दीन ने मैं सिखाया कि नमाज पढ़नी है बैतुल्ला की तरफ रुक करके, बैतुल्ला की तरफ रुक करके नमाज पढ़नी है, बैतुल्ला की छत पर नमाज नहीं होती। ठीक हो गया। और बैतुल्ला के अंदर नमाज अगर पढ़ी जाए तो उस अब जिस मर्जी तरफ अपना मुंह कर सकते हैं, लेकिन बैतुल्ला की छत पर नमाज नहीं होती है। क्या बेटा, या तो आप ऊपर से नीचे का मुंह करें ना, तो हो जाएगा। चलिए आगे। अन अबी मरसदिल غنبي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها। देखिए सर, कब्र पे बैठने के क्या क्या अंदाज हो सकते हैं। पहली बात, के कब्र के ऊपर टेक लगा के बैठना मना है। कब्र को यूं टेक लगा लेना, ये बैठना मना है। ठीक है। ये जो अल्लाह का फरमान है कि ला तजलिसु अलैहा, पहली बात ला तसल्लु इलल कबूर, कब्र की तरफ मुड़ के नमाज ना पढ़े। कुछ लोगों ने अपने बुजुर्गों की कब्र बनाई होती है मस्जिद के अगली तरफ, मिंबर के पीछे या मस्जिद के अंदर, और बाद लोगों ने मेहराब के अंदर कब्र बनाई होती है अपने किसी बुजुर्ग की, अपने किसी बहुत बड़े नेक इंसान की, उन्होंने कब्र बनाई होती वहां पे। किस लिए? ताकि उनसे वो बरकत हासिल कर सके। ये कतर हराम है। बरकत का पैमाना वो है जो कुरान ने और सुन्नत ने दे दिया, इसके अलावा कोई चीज बरकत नहीं है। ठीक है। ये इस्लाम ने ना, ये झुकना, ये ऐसे करना और इसको तजीम समझना, ये इसको एहतराम समझना, जो चीज दीन ने नहीं सिखाई वो एहतराम नहीं है। सर झुकाना ये एहतराम नहीं है। ठीक है। सर झुकाना किसके सामने? सिर्फ अल्लाह के सामने। तो अल्लाह के पैगंबर का जो फरमान है कि अबू मरसल कहते हैं कि मैंने अल्लाह के पैगंबर से सुना कि ला तसल्लु इल कबूर, कब्रों की तरफ मुड़कर नमाज अदा ना करें। ठीक है। और दूसरी बात, वला तजलिसु अलैहा, उस पर बैठे ना। इस बैठने के क्या क्या तो जी क्या क्या अंदाज हो सकते हैं। बैठने के अंदाज, पहली बात, कब्र के ऊपर तकिया इस्तेमाल करना, कब्र को बतौर तकिया इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, उस पर टेक लगाना जायज नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात है कि इस कब्र के ऊपर मजावर बन के बैठ जाना। वो कहती हैं कि जो कब्रों का मजावर है वो ज्यादा सियाना होता है, जो लोग बाहर से आते हैं उनसे, वो जिंदों से मांग रहा होता है, वो जिंदों से मांगता है, वो कब्र में पड़े हुए मुर्दे से नहीं मांगता। जो दरबार की देखभाल करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, ठीक है, और बड़ी कमाई है दरबारों की, बड़ी कमाई है इसकी। अक्सर इन दरबारों के अंदर कोई इंसान दफन भी नहीं होता। जी, क्या फरमाया कि ला तजलिसु अलैहा, कब्र में बैठे ना। पहला अंदाज, उस पर टेक लगाना मना। दूसरा अंदाज, उसके ऊपर मजावर बन के बैठ जाना मना। ठीक है। और तीसरा अंदाज, कब्रिस्तान के ऊपर बैठ के कदाया हाजिर करना, उसको अल्लाह के पैगंबर ने मना किया है। तो ला तजलिसु अलैहा, आपसे बैठना नहीं है। अल्लाह के पैगंबर ने, देखिए सर, रसूलुल्लाह से बढ़ के दुनिया में अल्लाह के पैगंबर से पहले और बाद में इससे ज्यादा बाबरकत और मुकद्दस हस्ती कोई नहीं है। अगर अल्लाह के पैगंबर ने खुद मना फरमा दिया और क्या कहा था कि ला तजल कब्री बसना, मेरी कब्र को इबादत गाना बनाना, किसने कहा? अल्लाह के पैगंबर ने कहा। फिर दूसरी रिवायत में अल्लाह के पैगंबर ने कहा कि लान अल्लाहुल यहूदा वन्नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाई मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पे और अल्लाह की लानत हो ईसाइयों पे जिन्होंने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। यानी वो उस तरफ मुंह करके सजदा करते थे, सिर्फ क्यों? बरकत हासिल करने के लिए। अगर बरकत जो मिलती होती तो अल्लाह के पैगंबर से बढ़ती कोई हस्ती नहीं है। और रसूल खुद कहते यहाँ से आकर बरकत हासिल करो, यहाँ से आकर सजदा करो। तो यकीन ही बात है कि मेरा एक गालिब गुमान यकीन है इस बात का, अल्लाह के पैगंबर ये कहते तो लोग अल्लाह का बोल जाते और सुल्लाह को शुरू करते। क्या ख्याल है आपका? वो कहते हमने इसे देखा हुआ है, अल्लाह को देखा भी नहीं है, वो तो इलम मिल गया है, ये तो मेरे सामने है, इनके बारे में तो तारीख मिलती है, इनके बारे में तो रवायात मिलती है, इनकी जिंदगी के नमूना मेरे सामने है,
तो लोग अल्लाह का बोल के उस समझ जाते, ठीक हो गया। इसलिए अल्लाह के पैगंबर ने बार बार अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मैं कह रहा हूँ कि ला तजल कब्री वसना, मेरी कब्र को इबादत गाना बनाना। और फिर ये उद्धव सारा पे लानत की कब्र को बताना कि ठीक है वो लानती है जो मेरी कब्र को भी इबादत गाह बनाएगा। अगर 16 कब्र को नहीं बना सकते फिर और किसी कब्र को इबादत गाह नहीं बना सकते। मेरे पीछे हमने एक रवायत पढ़ी, अच्छा ला तुसल्लु इलल कुबूर, इसको हम दोबारा वजाहत कर लें कि कब्र की तरफ मोड़ के नमाज ना पढ़े, ठीक है। कुछ लोगों ने, मैंने आपसे कहा कि कब्रस्तान के अंदर मस्जिद के अंदर कब्र बनाई होती है बरकत के लिए, या उसके मेहराब में, मैंने आपसे देखा मेहराब में कब्र बनाई होती है बरकत के लिए, मेहराब से पीछे बनाई होती है, मैं कहा यहाँ बनी हुई है, मेरा ख्याल है यहाँ पर मस्जिद देखी बनी हुई है। अच्छा कब्र, ये एक मस्जिद है यहाँ पे, किसान मिल है, घी मिल है यहाँ पे, उसके अंदर एक मस्जिद बनी हुई है। वो MP था कि MNA था, मलिक नवाज, उसने बनाई मस्जिद, वो बड़ी प्यारी मस्जिद है, उसके अंदर भी उसने एक कब्र बनाई हुई है शहर पे, जहाँ उसने महसूस की हुई है। अच्छा इसके लिए दलील ये पकड़ती है कि अल्लाह के पैगंबर की, सैयदना अबूबकर सिद्दीक की, सैयदना उमर की, उस्मान की कब्रें मसनबी के अंदर है, दलील ये बनाते हैं। जबकि जिस वक्त ये कब्रें बनाई गई थी तब ये मस्जिद से बहुत बाहर थी, मस्जिद से बाहर थी। अब उसके पास वक्त की जरूरत थी, दुनिया बढ़ गई थी बहुत ज्यादा, और इसकी तोसी करना लाजम था, तो हम उन्होंने ये किया कि दूर तक दीवारें बना के इसको मस्जिद से अलग कर दिया, और कहा इसके आगे पीछे दूर तक मस्जिद है, लेकिन ये मस्जिद ऐसा नहीं है कि हमारी मजबूरी है, पर 50-50 लाख बंदा वहां हज करने आता है, कहाँ पूरा करना हमें मदीने में, तो इसलिए उसको तोसी की गई। लेकिन जब ये मस्जिद अल्लाह के पैगम्बर की, या सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान की, जब वहां तदफीन की गई थी, तो उस वक्त ये मस्जिद से बाहर थी, इसलिए था जी हो जा, ये मस्जिद से बाहर के साथ था लेकिन अंदर नहीं ये था। मस्जिद से बाहर था, ठीक है, इसलिए इसको हम दलील नहीं बना सकते किसी भी तौर पर। जी अगली रवायत पे आते हैं। अन अबी सईद रज़ी अल्लाह तआला, यही है ना, यही है जी, कॉल फरमाती हैं कि कॉल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा जा अहदुकुमुल मस्जिद फलयनज़ुर, जब आप में से, इज़ा जा, जब आए, अहदुकुम, आप में से कोई शख्स, अल मस्जिद मस्जिद की जानिब, फलयनज़ुर, उसको चाहिए कि वो देखे, किसको, आगे उसके अल्फाज आ रहे हैं, अपने जूते को देखे, कैसे, फ इन रुआफी ना अलैहि अज़ा, अगर वो देख ले अपने जूते के अंदर कोई गंदगी, औ कज़रन फलयम सहो, औ कज़रन फलयम सहो, या कोई चीज़ देखे, अज़न गंदगी, औ कज़रन या कोई भी नापाकी, ठीक है, फलयम सहो, तो उसको वो मसह कर ले, मसा क्या होता है, उसको साफ़ कर ले, वली यसल्ली फीहिमा, और उनके अंदर वो नमाज़ पढ़ ले। अख़दहु अबू दाऊद, इसको अबू दाऊद ने रवायत किया है, वसहहु इब्न खुज़ैमा, और इसको इब्न खुज़ैमा ने सही कहा है। रवायत समझ आ गई, इसकी हम वजाहत जाते हैं। पहली बात, नमाज जूता पहन के पढ़ी जा सकती है, अल्लाह के पैगंबर ने, सहाबा इकराम ने सारी ज़िंदगी ऐसी पढ़ी, ठीक है, सारी ज़िंदगी नमाज ऐसी पढ़ी है। और एक बार इस बात की दलील है, सारे सियापा और अल्लाह के पैगंबर, दलील क्या इसकी, एक बार नबी इस्लाम नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के दौरान अल्लाह के पैगंबर ने अपना जूता उतार दिया, नमाज के दौरान तमाम सियापा इकराम ने अल्लाह के पैगंबर की इत्तबा में अपने जूते भी उतार दिए, जब भी उतार दिए ना, अल्लाह के पैगंबर ने इस्लाम फेर के ताज्जुब से पूछा, आपने जूता क्यों उतारा है, मतलब कि नमाज किस तरह पढ़ी जाती थी जूता पहन के, अगर ये आम होता तो अल्लाह के पैगंबर ना पूछते, अगर ये जूता उतार के नमाज पढ़ना आम होता तो अल्लाह के पैगंबर ताज्जुब से क्यों पूछते कि आपने जूता क्यों उतारा है, नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपने जूता क्यों उतारा है, सहाबा इकराम ने कहा अल्लाह के पैगंबर, क्योंकि आपने उतारा था इसलिए हमने भी समझा कि शायद नया हुक्म नाजिल हो गया, हमने भी उतार दिया, फरमाया नहीं मेरे पास जबरील आए थे, उन्होंने कहा अल्लाह के पैगंबर आपके जूते के नीचे गंदगी लगी हुई है इसलिए इसको आप उतार दें, तो मैंने उतार दिया। अच्छा इसमें एक बात ये हमें सामने आई कि जूता पहन के नमाज पढ़ना जायज़ है, पढ़ी जा सकती है, ठीक है, आज हम कोई पढ़े हम ऐसे मस्जिद में जाके तो सारे लोग जूता लेके हमारे पीछे ही हो रहे, अक्ल नहीं है, पता नहीं है इस बात का, तो ऐसा ही होगा, लेकिन अल्लाह के पैगंबर के दौर में ऐसे ही नमाज पढ़ी जाती थी, जूता पहन के नमाज। एक बंदा नमाज जनाजा अदा करता है, नमाज जनाजा के लिए वो अपना जूता उतार के उसके ऊपर पाँव रख लेता है, जूते के ऊपर, कि मेरे पैर गंदे भी ना हो यार, और जूती मेरी सही नहीं आया, तो इस बात से मैं नमाज जूती ला के पढ़ना, जूता उतार के पाँव के नीचे रखना और जूता पहनना एक बराबर है, ठीक है, इससे कोई फर्क, इसलिए अगर गंदा है तो दो तरीके इसके हैं,
जो अल्लाह पैगंबर ने बता दिया, ये गंदगी नजर आने वाली हो या खुफिया हो, ये गंदगी चाहे ताड़ हो या खुश्क हो, ये जैसी भी गंदगी है उसके लिए क्या हुक्म है, फलियम सा, ठीक है, उसको साफ कर ले। अब जमीन पे इस जूते को रगड़े अच्छी तरह, होने के बाद रगड़ने के बाद जूता आपका साफ हो जाएगा, ठीक है, जमीन पे रगड़े इसको अच्छी तरह, तो इसको उसके बाद आप नमाज अदा कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर दूसरी चीज तो हमने सीखी वो ये, अल्लाह के पैगंबर नमाज पढ़ा रहे हैं और जूते के नीचे क्या लगी है, तो रसूल को पता, किसने बताया, तो वो तो आलिम गैब से, कितनी वादे दलील है ये वाली, कितनी वादे दलील है कि जो कहते अल्लाह के पैगंबर दीवार से पीछे देख सकते हैं, अपने जूते से देख नहीं सकते, अगर दीवार के पीछे देख सकते हैं, माँ काना और माया कून का इलम रखते हैं, माँ काना और माया कून ये होता है कि जो हो गया जो होगा, अगर इसका इलम था तो फिर वही का तसव्वुर खत्म हो गया, ठीक है, अल्लाह वही के जरिए अपने पैगंबर को बताता था सब कुछ, अगर इल्म गैब था तो फिर वही का तसव्वुर खत्म हो गया, हर चीज रसूल को पता थी पहले ही, इल्म गैब जो था, जूते के नीचे लगी हुई गंदगी का पता नहीं चला, अपने घर में फरिश्ता नहीं आया कितने दिन तक, जब रील नहीं आया अल्लाह का प्यार पैगाम लेके, तो पता नहीं चला घर में कुत्ता, इल्जाम लगा आयशा पे, पता नहीं चला वो हार गुम हुआ तो मिला ही नहीं, जो हार गुम हुआ था याद आ गया ना, मिला ही नहीं, रसूल तालमे गए थे तो क्यों नहीं मिला वो, ठीक है, ये तमाम चीजें हमें बताती हैं कि अल्लाह के पैगंबर के पास इल्मे गैब नहीं था, अगर होता तो अम्मा आयशा के जो हार के गुम होने वाला वाक्य ना होता, अगर ये होता तो अम्मा आयशा पे जो इल्जाम लगा तो अल्लाह का पैगंबर एक महीना इंतजार ना करते, इल्मे गैब होता तो वो जो अल्लाह का पैगंबर इंशाल्लाह कहना भूल गए थे और इतने दिन इंतजार किया उनका जवाब देने के लिए और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारा तुम्हें छोड़ दिया है, जवाब नहीं ना है, इल्मे गैब होता तो उसको उसी टाइम जवाब दे देते, ठीक है, ये तमाम चीजें हमें इस बात की दलील बन सकती हैं कि अल्लाह के पैगंबर मा काना व मा यकून का इल्म नहीं रखते, सिर्फ उतना जानते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, जो अल्लाह ने वही कर दिया उसका पता है, ठीक हो गया बेटा। इस रवायत में हमने ये सीखा कि जूता अगर उस पर गंदगी लगी है, वो गंदगी अगर चे जाहरी है या खुफिया तौर पर है, वो नजासत खुश्क है या तर है, जो भी है उसको लें, उसको जमीन पर चिता रगड़ें, रगड़ के, लेकिन उसके अंदर गंदगी, हमारे जो जूते बनते हैं ना, उस जूतों के अंदर गंदगी वो नहीं, उसको धोना पड़ेगा, ऐसे जूते जिसके ऊपर अंदर गंदगी समाती नहीं है, जिसके अंदर कोई ऐसी डिजाइन ना हो, समाती नहीं है, वो उसके अंदर नमाज पढ़ सकते हैं आप रगड़ने के बाद, अगर उसके तो भी पढ़ सकते हैं, जूता साफ हो तो इजाज़त है ना, दीन तो नहीं बदलता ना, अब कुरान पाक की एक आयत है कि इन्ना मसाता फुकरा वल मसाकिन वल आमरीन अलैहा मुसारफे ज़कात बताए आठ, इस दौर में जहाज हो रहा है, जहाज की कोई सूरत है नहीं है, लेकिन आएगा, होता रहा है, इमाम मेहदी आएंगे जहाज होगा, असली वाला जहाज होगा, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम नाफ़िज़ होगा था, ठीक है, ये जब जहाज होगा, आयत का हुक्म मौजूद है, अहकाम मौजूद है, वक्त आएगा हम उसको अवेल कर लेंगे, इसी तरह से आपने क्या बात की थी, कलीन है, कोई बात नहीं, आप कहीं ऐसे जहाँ नमाज पढ़ते हैं, सफर में हैं, आप मैदान जहाद में हैं, आप ऐसे मुकाम पे जहाँ पे आपके पास कलीन नहीं है, आप पार्क में नमाज पढ़ना चाहते हैं बगैर कलीन के बगैर सबके, वो हुक्म तो है ना मेरे पास, ये तो नहीं कहा जाएगा बस जुतला फिर नमाज पढ़नी, आप पढ़ के देखें लोग आकर दुआ हो जाए, ठीक है, जितनी सफाइयाँ आप में ना तब नहीं थी, जितनी सहूलतें आप में तब नहीं थी, उस दौर में, उस दौर में बैतुल खला नहीं थे, ये मदीने की हमसे बस हमारी मोहब्बत है, हम कहते हैं मदीने की क्योंकि हम खाक होते फलाफ ना होते, लेकिन इसके उस दौर की नस्बत आज सहूलतें ज़्यादा हैं, आज हर चीज़ पत्थर की है, सख्त है, आज हर चीज़ से पानी आता है वो बहा के ले जाता है, उस दौर में पानी खड़ा रहता था, उस दौर में तो बैतुल खला में जाना तो लोगों ने बाहर जाना, ठीक है, पानी का इंतजाम नहीं सब ना था उनके पास, तो दीन तो हर एक के लिए ना, आज भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर वो सहूलतें मौजूद नहीं जो हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, लोग बस लाइटें नहीं हैं, अफ्रीका में देखिए आप लोग कुरान सीखते हैं, हम कैसे सीखते हैं, आपने उसकी वीडियो देखी होंगी, ऐसे वो आग जलाती हैं उसके सर पे खड़े होते हैं कुरान पढ़े होते हैं, आप देखने वाला ये कि ये मजूसी है, ये कुरान ये आग की बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, वो कुरान पढ़ रहे हैं वहाँ पे, उनके पास रोशनी का बजरी है, तो इसलिए सहूलियात के आने से दीन ही बदलता, ठीक है, सफ़र नमाज कसर ही है, अगर जो आपका सफर हवाई जहाज पे है, अगर जो आपकी गाड़ी में एसी लगे हुए हैं, आपका सफर अब मुश्किल नहीं लगता, आपने इस्लामाबाद जाना है, सफर है 380 किलोमीटर फैसलाबाद से, आप 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन रोजे की छूट है, दीन नहीं बदला,
पहले था सफर घोड़ों पे, आपने सफर करना है, आपने इस्लामाबाद जाना, यहाँ से आपको कम से कम 2 दिन लग जाने, कम से कम 2 दिन लग जाने आराम से, दिन रात सफर कर रहे हैं आप। आपने 30 किलोमीटर घोड़ा भागा, फिर स्टे किया, फिर 30 किलोमीटर भागा, फिर स्टे किया, इस तरह से ये सफर होते थे। ठीक है, अब 380 किलोमीटर के लिए कम से कम भी घोड़े ने सांस लेना है 12 मरतबा, उसके बाद जाके पहुंचना है। तब ये हुक्म था कि आप नमाज कसर करें, लेकिन अब भी सवारियां बेहतरीन है, गाड़ियां ऐसी हैं, लेकिन वो हुक्म नहीं बदला। आप नमाज भी कसर कर सकते हैं और रोजा भी छोड़ सकते हैं, इसलिए दीन नहीं बदलता हालात की और सहूलियत के बदलने से। काफी है इतना।